आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। A stone with a weight of 2.25 Newton is launched vertically from the ground level with initial speed of this one and the air drag is this one and through the flight, what are the maximum height reached by the stone and its speed just before it hit the ground? मतलब देखो कुछ यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है कि ये ग्राउंड है, मान लो ये अपना ग्राउंड है और यहाँ से हमने इनिशियली किसी स्टोन को यू वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया है, तो यू की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कितनी, इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से फेंका है। अब ये ऊपर जाता है, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से वापस लौट के आता है। इस ड्यूरेशन में हमें बतानी है एक तो कि ये टोटल हाइट कितनी है और ये यहाँ पर जब आएगा फाइनली तब इसकी फाइनल वेलोसिटी वी कितनी होगी, जब यहाँ पर आएगा वी कितनी होगी इसकी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये एयर का ड्रैग नहीं दिया होता ना तो फिर तो सिंपल था, फिर तो हम डायरेक्ट ग्रेविटी से वो फॉर्मूला लगा के यहाँ से एच निकाल सकते थे, ठीक है, अंडर रूट टू। लेकिन यहाँ पे कहा हुआ है कि एयर ड्रैग भी है 0.265 न्यूटन का, तो इसके लिए हमें इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम कैसे अप्लाई करेंगे इसमें देखते हैं कि लेट अस सपोज हम मान लेते हैं कि ये कुछ भी एच हाइट यहाँ से चल के एच हाइट ऊपर गया होगा, ठीक। अब यहाँ पे एयर ड्रैग दिया हुआ है 0.265 न्यूटन, मतलब कि इस पूरी जर्नी में एच हाइट तो ऊपर गया और एच हाइट नीचे आया, तो इस पूरी जर्नी में वर्क डन बाय एयर कितना है, वर्क डन बाय एयर, मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ सिंपली, उसकी एनर्जी लॉस की होगी उसने कितनी, ये फोर्स एफ एयर में लिख लेता हूँ 0.265 न्यूटन, तो एफ ऑफ एयर इंटू 2h, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2h एफ ऑफ एयर, ये ड्रैग फोर्स है। ये तो हो गया पूरी जर्नी का। अब अगर मैं इस पॉइंट, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इन दोनों में अगर मैं देखूं कंपैरिजन करूं, तो देखिए ए पॉइंट पे हमने इसको यू वेलोसिटी से फेंका है और बी पॉइंट पे यानी कि फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जानी है क्योंकि यहाँ पे रुकेगा वो। तो अगर मैं बिटवीन ए एंड बी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी प्लस लॉस। तो अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में लॉस इसको टू एच एफ ए नहीं होगा, उसको सिर्फ लॉस होगा एच इंटू एफ ए। तो मैं एनर्जी एट ए लिखता हूँ तो टोटल एनर्जी है जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो 1/2 m इंटू यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी पर जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, तो वो है हमारी एम जी एच, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर जो एक और बात ये है यहाँ पर देखने के लायक कि ये जो 5.29 दिया हुआ है ना, ये इसका वेट दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से कि वेट यानी कि एम जी बराबर 5.29 दिया हुआ है, तो m बराबर होगा 0.529, ये बात यहाँ पे ध्यान रखने की है, ठीक है। देख चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो एम जी एच प्लस लॉस, तो यहाँ पे लॉस 2 times एच एफ नहीं होगा क्योंकि ये तो ऊपर से हम सिर्फ a और b की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ ऊपर गया है, तो यहाँ पे होगा एच इंटू एफ ए, ठीक है। अब यहाँ से हम पूरी सारी की सारी वैल्यू रखते हैं तो 1/2 m u² इज इक्वल टू एच टाइम्स ऑफ एम जी इंटू एफ ए प्लस एफ ए, ठीक है। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा एम यू स्क्वायर अपॉन 2h टाइम्स ऑफ एम जी इंटू प्लस एफ ए, सॉरी इंटू नहीं, यहाँ पे हम रखते हैं भाई m की वैल्यू 0.529 इंटू 20 का होल स्क्वायर अपॉन 2h, ये यहाँ पे h नहीं आएगा, h इधर आ गया ना, मैंने दे दिया, ठीक है। तो इंटू 2 इंटू एम जी की वैल्यू रखते हैं 5.29 प्लस 0.265 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पर h बराबर आ जाएगा 19.1 के समथिंग, ठीक है। अब हमें पार्ट बी पे आते हैं, ये तो हमारे पास पार्ट ए की वैल्यू एक आंसर हो गया, उसमें पूछा था मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय। अब आते हैं हम पार्ट बी पर। अब पार्ट बी में क्या पूछा उसने कि स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अब मैं जैसे ये पॉइंट बी था ना, तो अब मैं इस वाले पॉइंट को सी मान लेता हूँ और अब मैं जो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा वो पॉइंट ए और सी के बीच में लगाऊंगा। तो ए और सी में देखते हैं कि इनिशियल एनर्जी टोटल काइनेटिक के फॉर्म में थी, तो इनिशियली 1/2 m u², ये फाइनली क्या हो जाएगी, टोटल भी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ही रहेगी लेकिन कुछ लॉस हो जाएगा और इस टाइम पे लॉस जो होगा वो 2 times of h f a होगा, 2 times of h into f a होगा।
यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे वी को, तो मैं क्या करता हूँ कि इस टू को कैंसिल कर देता हूँ, इसे 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बराबर एम यू स्क्वायर -4 h इंटू एफ ऑफ ए, तो वी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ एम यू स्क्वायर -4 h, 4 h एफ ए अपॉन एम। अब इन सब की वैल्यू रखेंगे, अगर हम एम की वैल्यू 0.2529 और यू की वैल्यू 20 और एच की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है 19.1 समथिंग और एफ ए की वैल्यू 0.265, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 19 मीटर पर सेकंड के समथिंग, और ये मीटर में, ठीक है। तो ये इन दोनों का आंसर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।